Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about the topic software and their types. So what is software? We know very well about the two terms which is related with the computer system, that is hardware or software. Okay, means in the computer system there are basically two type which is the proper functioning, which is hardware and software. So what's about the hardware? So we know very well about the hardware. Hardware means it is a physical and tangible components of the computer, that is the components that can be seen and touched, है ना? आप लोग से पूछा जाता है तो आप लोग यही बताते हो ना कि कंप्यूटर का हार्डवेयर जो होता है वो क्या होता है, वो उसको हम लोग देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं. तो वो फिजिकली कंपोनेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर में लगे होते हैं और उनको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, उनको हम लोग छू सकते हैं. जैसे आप लोग अपने कंप्यूटर में क्या छू सकते हो, आपका इनपुट डिवाइस होता है जैसे कि कीबोर्ड, है ना? और इसके साथ अगर आप दूसरा देखते हैं तो वो आउटपुट डिवाइस होता है जैसे कि मॉनिटर. ठीक, मॉनिटर के साथ और भी क्या होता है, जैसे हम टैबलेट की बात करते हैं तो वो हो जाता है टैब, मोबाइल स्क्रीन, है ना? तो ये सब क्या है, ये सब आउटपुट डिवाइस है जिसको हम लोग टच करते हैं. ठीक, ऐसे ही सीपीयू हो जाता है. तो ऐसे सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, मतलब हर वो मशीन है जिनको आप टच करते हो, छूते हो, वो सब हार्डवेयर पार्ट में चली जाती है. बट टुडे वी डिस्कस अबाउट द सॉफ्टवेयर. ओके, सो व्हाट इज द मीन ऑफ द सॉफ्टवेयर? इट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गवर्न्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन, है ना? आपकी जो मशीनें लगी हैं कंप्यूटर में, जितनी भी मशीनें, चाहे कीबोर्ड है, चाहे माउस है, चाहे आपका मॉनिटर है, सीपीयू है, कुछ भी, ये सब मशीन है. तो ये सब मशीनें जो हैं वो रन कैसे करती हैं, आपस में ये काम करती कैसे हैं, ऐसा कैसे होता है कि जब हम ए दबाते हैं कीबोर्ड में तो ए ही आता है, है ना? तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हार्डवेयर जो है वो इंटरेक्ट कर पाता है. हम लोग जब कोई की दबाते हैं यहाँ से तो वो एक सॉफ्टवेयर की वजह से हमारे कंप्यूटर के अंदर जा पाता है और उसके हिसाब से काम कर पाता है. ठीक, तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी कुछ कैटेगरी में बांटे गए हैं. तो इसका मेजरली जो है वो दो कैटेगरी होती है. तो दो कैटेगरी में कौन है, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. व्हाट इज द रोल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? अच्छा, अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये सिस्टम है. इसका मतलब है कि हमारे पास कंप्यूटर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो कि सिस्टम का काम कराएंगे. ठीक ना, कंप्यूटर का काम करेंगे. कंप्यूटर का काम कहाँ पे होगा, इंटरनली, है ना? जैसे हम लोग सेव करते हैं, फाइल को सेव करते हैं हम, ठीक ना? तो हम क्या करते हैं, हम लोगों ने कंट्रोल एस दबाया और फाइल का नाम दे के फिर एंटर मार दिया, इतना काम तो हमारा हो गया. लेकिन अब कंप्यूटर अंदर से उस फाइल के साथ क्या करता है कि वो फाइल जाकर के हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है. तो ये सब काम कौन कराता है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर कराते हैं, है ना? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये भी बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट है कंप्यूटर के लिए. द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन. अभी देखिए हमने बताया ना कि जो कंप्यूटर में इंटरनली काम हो रहा है सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक रोल होता है. दैट इज रीडिंग डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, ट्रांसमिटिंग प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइसेस, चेकिंग सिस्टम कंपोनेंट्स, कन्वर्टिंग डेटा इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म एक्सेट्रा इज नोन एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्क समझ में आ गया. ये क्या करता है, ये हमारे कंप्यूटर के इंटरनली जितने भी काम होते हैं वो यही कराता है. ठीक, क्योंकि कंप्यूटर में तो सारी मशीनें हैं, मशीन मतलब सब हार्डवेयर है, और अगर हार्डवेयर बस ऐसे ही यूज किया जाए विदाउट सॉफ्टवेयर तो उसका कोई काम नहीं हो पाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा. तो ये कैसे यूज किया जाता है, ये चीज जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है. जब हम लोग
इसमें कुछ भी एंटर करते हैं, कुछ भी हमको इससे प्रिंट आउट लेना होता है, कुछ भी हमको इसको बताना होता है। जैसे हमको एक सॉन्ग सुनना है तो हम क्या करेंगे, हम सॉन्ग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, एक सिंगल क्लिक कर देंगे तो वो बजने लगेगा, नहीं ना, क्योंकि सिंगल क्लिक पे वो सिर्फ सेलेक्ट होता है, ठीक है, जब हम डबल क्लिक करेंगे तो वो बजने लगेगा। तो ये चीज़ें देखिए कैसे समझ में आ रहा है कंप्यूटर को। तो ये सब चीज़ें जो है वो इंटरनली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो रन होते हैं, तो वो ये सब काम करते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज। लो, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो कैटेगरी में बढ़ गए। कौन कौन से? एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा और दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर आएगा। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम आप जानते होंगे अच्छे से, है ना? जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हैं उसका रोल आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हम लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, है ना, आप लोग के कंप्यूटर में या आप लोग जो मोबाइल यूज़ कर रहे होगे तो आप लोग के मोबाइल में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम रखे हुए हैं? तो आप ये देखोगे कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो वो है एंड्रॉयड, है ना। एंड्रॉयड इज़ गवर्न बाई द गूगल, गूगल के थ्रू इसको बनवाया गया है, ठीक। और अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में मोस्टली लोगों के पास क्या है? विंडोज़, ठीक। बहुत सारे लोग लिनक्स का भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग एप्पल के भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका एक, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है, या कह सकते हो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक ना। और इसके अपने अलग अलग तरह के काम होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को पूरी तरह से मैनेज करके रखता है, ठीक ना। हमारे कंप्यूटर में जितनी चीज़ें हो रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैनेज होती हैं किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक। यदि आपको पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आपको चीज़ें दिखेंगी, समझ में आएंगी, सारी चीज़ें होंगी। नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम में आ जाएंगी, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अगर होता है तो हमारा कंप्यूटर चालू होता है। अब सपोज करो कि आपके मोबाइल में एंड्रॉयड होगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो आप बटन दबाते रह जाओगे तो कुछ खुलेगा? नहीं खुलेगा ना, ठीक। तो ये वाली चीज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, बात समझ में आई। ऐसे ही कंप्यूटर में अगर विंडोज़ नहीं हो, विंडोज़ ख़राब हो गया हो, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं विंडोज़ का, ऐसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल ले लोगे जो आपके कंप्यूटर में है, तो अगर वो ख़राब हो गया है तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्लेटफॉर्म होता है जिसकी वजह से हमको दूसरे सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो मिलते हैं, ठीक। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया ना आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ अ प्रोग्राम, इज अ प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड द हार्डवेयर, दैट इज ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेस। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच कंट्रोल्स ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारा कंप्यूटर जो है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, जैसे विंडोज़ है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो करा पाएगा। कंप्यूटर खुलेगा, कंप्यूटर खुलेगा तो हम काम करेंगे। और इसी को बोलते हैं कि ये यूज़र से हार्डवेयर का इंटरफेस होता है। हार्डवेयर यानी कंप्यूटर, और जो हमारा यूज़र है वो कौन है? वो हम है। चलिए आगे देखते हैं। जो मेजर कंपोनेंट्स होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का वो क्या है? वो है हार्डवेयर, ठीक ना, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन्स जैसा कि कंपाइलर है, लिंकर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, ठीक ना, या ह्यूमनवेयर है, ठीक। तो इसमें हार्डवेयर आपको समझ में आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया, एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन्स जो है वो आगे हम लोग अभी और इस पर बात करेंगे, ठीक। और एक ह्यूमनवेयर है जिसको हम लोग यूज़र बोलते हैं, ठीक ना, इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में ह्यूमनवेयर बोला जाता है। ओके, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन्स जो है उसमें क्या है, आप देख रहे हो इसमें कंपाइलर है, लिंकर है, डेटाबेस है, ठीक ना। तो ये सब क्या चीज़ें होती हैं? ये सब हमारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। जो हमारे पैकेजेस होते हैं उनको, उन पे काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स पे। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं? नाम से क्लियर होता है कि ये लैंग्वेज पे काम कर रहा है ना, लैंग्वेज प्रोसेसर है तो उस पे प्रोसेस करेगा लैंग्वेज पे, ठीक ना। अब हमको पता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो किस पे काम करता है? वो मशीन लैंग्वेज पे काम करता है जिसको हम लोग बाइनरी कोड कहते हैं। हम लोग
की जो लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक ना, जो यूजर्स की लैंग्वेज होती है, जो हम लोगों की है, ठीक ना, ह्यूमंस की जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या होता है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिसमें ये एक तरह के ट्रांसलेटर बन जाते हैं और हमारे लैंग्वेजेस जो होती हैं वो कंप्यूटर को समझाते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हमको कन्वर्ट करके बताते हैं, ये लैंग्वेज प्रोसेसर का काम होता है, ठीक ना। तो ये एक तरह के ट्रांसलेटर हैं जो कि मशीन कोड से ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड से मशीन कोड में, सोर्स कोड में ऑब्जेक्ट कोड में, इन सब में कन्वर्जन जो है वो होता है इनके थ्रू। ओके, तो बात समझ में आ गई। जब हम कुछ लिखते हैं ना तो कंप्यूटर उसको बाइनरी कोड में लेता है, यानी 01 के फॉर्म में। अब ये 01 का फॉर्म अगर हम ही को देखना पड़ेगा तो हमको नहीं समझ में आएगा, ठीक ना, या आप सब में से किसी को नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो 01 01 01 में आप अपना नाम बोलो, नहीं बोल पाओगे, है ना, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो उसी फॉर्म में काम करता है, तो अब वो उसी फॉर्म में काम करता है, हम तो नहीं करते। तो हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग एक ऐसे ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो जो है वो कन्वर्ट होता है और चीज़ें जो हैं वो हमको समझ में आती हैं, ठीक। अब देखिए क्या आ रहा है, अ सोर्स कोड रेफर्स टू द प्रोग्राम्स कोड रिटन बाय अ प्रोग्रामर इन अ हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज इन सी जावा सी प्लस प्लस। ये सब हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू जो है वो सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन किए जाते हैं, और इनको हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, यूज़र्स यूज़ करते हैं, तो इस वजह से ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक। अब इसके थ्रू जो है वो काम किया जाता है कंप्यूटर पे, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है वो एक ऐसा कोड होता है जिसके थ्रू जो है यूज़र्स ऐसे कोड बनाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जिस पे कंप्यूटर काम कर पाता है। तो अ सोर्स कोड रेफर्स टू द प्रोग्राम कोड, है ना, जो सोर्स कोड है वो क्या है, वो ऐसे प्रोग्राम कोड होते हैं जिनको हाई लेवल में लिखा जाता है। यानी सोर्स कोड कौन है, जब हम लिखेंगे प्रोग्रामिंग तो हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो चीज़ जो है वो सोर्स कोड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कोड, क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट कोड रेफर्स टू अ कोड यूजुअली इन मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड, ठीक। तो यहाँ पे बाइनरी कोड यानी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है। अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड इजली एंड रन ऑन हार्डवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो उसको समझ पाता है और उस पर काम कर पाता है। तो सोर्स कोड हमारी हो गई, यानी यूजर्स का जो कोड हो गया वो क्या हो गया, वो सोर्स कोड हो गया। जो कंप्यूटर का कोड हो गया उसको क्या बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट कोड हो गया, ठीक ना। तो ये दो तरह के कोड सिस्टम है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, जो हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर है वो कुछ कैटेगरीज में बटा हुआ है, ठीक। तो इनके तीन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज द असेंबलर। असेंबलर क्या है, दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इज दो बार इन आ गया ना, रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट होता था। अब ये असेंबली लैंग्वेज होती क्या है, देखो स्टार्ट में क्या हुआ था कि कुछ ऑब्जेक्ट कोड बनते थे, जैसे हमारे मशीन कोड जिसको बोलते हैं, तो उसका एक सिंबॉलिक फॉर्म तैयार किया गया था, ठीक। तो जैसे अभी हम लोग ए लिखते हैं तो ये ए क्या है, ये एक सिंबल है, ठीक है। और जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इसके अंदर की जो मशीन कोड होती है वो कंप्यूटर में जाती है, ठीक। तो ये असेंबलर्स थे जिसकी वजह से जो है वो ऐसे कोड जनरेट हुए और वो हमारे सामने आ गए, ठीक है। तो असेंबलर्स जो है वो ऐसे कोड थे जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर जो है वो और इजीली हम लोग के थ्रू काम किया जाने लगा, ठीक ना। तो ये ऐसे लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जब हम ए प्रेस करेंगे असेंबलर्स के थ्रू, वो कन्वर्ट होकर के चला जाएगा मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या होता है, ये काम कराता है वैसा ही कुछ, लेकिन ये क्या कराता है, ये लाइन टू लाइन कराता है, ठीक ना। तो अगर आपसे कोई ऐसा बोले कि ऐसे लैंग्वेज प्रोसेसर को बताओ जो कि लाइन टू लाइन कोड को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो आप उसको बोलोगे ये इंटरप्रेटर होगा, ठीक है। उसको यूनिट बाय यूनिट या लाइन बाय लाइन बोलते हैं। इसके बाद आता है कंपाइलर। कंपाइलर जो है ये भी वही काम करता है, लेकिन इसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं और पूरे पेज टू पेज को ये कन्वर्ट कर सकता है, यानी एक होल प्रोग्राम को ये एक ही बार में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में भेज सकता है, ठीक ना। तो ये कंपाइलर होता है जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं और ये ट्रांसलेट करता है पूरे होल प्रोग्राम को एट अ टाइम, ठीक ना, एक ही बार में ये पूरे प्रोग्राम को भेज सकता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन, यानी आपका अगर कोई प्रोग्राम है जिसमें 10 लाइन आपने लिखी है तो
तो इंटरप्रेटर 10 बार भेजेगा उसको, ठीक ना, लाइन टू लाइन, और असेंबलर तो एक एक अक्षर भेजेगा, ठीक। तो कंपाइलर है जो कि 10ों लाइन को एक बार में भेज देगा, ठीक, कंप्यूटर में। तो कंपाइलर जो है वो इस समय सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाकी चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं, ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ें जो है वो गायब है, वो यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक ना, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सिंपल है, नाम क्या लिखा है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे ही काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्कूल के इन्वेंट्री सिस्टम के लिए बात की जाए, या सैलरी सिस्टम के लिए बात की जाए, या फी सिस्टम के लिए बात की जाए, ठीक ना, तो जो स्कूल के सॉफ्टवेयर्स हैं, जो स्कूल में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर होंगे, वो कहीं बाहर यूज़ नहीं हो पाएंगे। जैसे अब रेलवे सिस्टम में रिजर्वेशन सिस्टम होता है, ठीक ना, तो रेलवे में हम रिजर्वेशन कराने जाते हैं, तो जो कंप्यूटर के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू वो कराते हैं, ठीक। अब वो सॉफ्टवेयर हम लेकर के अपने घर आ जाएं और उस घर पे बैठ करके वो, उसमें हम सोचें कि चलो इसमें गेम खेलते हैं, ठीक ना, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन जो है वो काम कराता सिर्फ रिजर्वेशन का, ठीक। हमारा काम जो है वो गेम खेलने का था, तो हम वो काम उस सॉफ्टवेयर पे नहीं कर सकते। सिंपली ऐसे समझते हैं कि कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर अगर होगा तो वो पेंटिंग नहीं कराएगा, और पेंटिंग का सॉफ्टवेयर होगा तो वो कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेगा, ठीक। तो बस ये वाली चीज़ें होती हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब इनकी कैटेगरी जो है वो क्या होती है, वो एक पैकेज की होती है, यूटिलिटीज़ की होती है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की होती है, या डेवलपर टूल्स की होती है। अब ये होते क्या है, इसको समझिएगा। पैकेज जब बोलते हैं तो एक कंप्लीट समझ में आता है ना, कि एक पूरा पैकेट भर के आ गया है, उसको हम लोग पैकेज बोलते हैं, ठीक ना। तो एक पैकेज जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो जैसे आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो ना, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो आप उसमें जाते हो तो आपको क्या मिलता है, वर्ड से रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस उसके अंदर मिलते रहते हैं, ठीक ना। आप उसमें कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप उसमें लेटर की डिजाइनिंग कर सकते हो, आप उसको मेल कर सकते हो वहां से, आप उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हो वहां से। तो क्या है कि उस एक ही सॉफ्टवेयर में आप वर्ड के सारे फंक्शन को यूज करते हो, तो ये एक कंप्लीट पैकेज हो गया, है ना, ये कंप्लीट पैकेज हो गया जिसको हम लोग यूज करते हैं इस तरीके से। दूसरा नंबर है यूटिलिटीज का। तो यूटिलिटीज क्या होते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे हम कंप्यूटर में कुछ और उसको अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यूटिलिटीज होते हैं। जैसे कि हम यूटिलिटीज की अगर बात कर लें, तो उसमें हमारे कुछ एग्जांपल्स आते हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं यूटिलिटीज में, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, वो भी यूटिलिटीज में आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छा करता है, ठीक ना। और अगर ऐसे हम लोग बात करते हैं जैसे कंप्रेशन यूटिलिटी की, तो वो भी हमारे कंप्यूटर को अच्छा बनाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हमारी फाइल बड़ी साइज की है, उसको कंप्रेस कर देंगे तो वो छोटी हो जाएगी, तो हमारा स्पेस कंप्यूटर का बच जाएगा। तो वो यूटिलिटीज़ जो होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को की परफॉर्मेंस को और अच्छा बनाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाएगा, वो यूटिलिटीज़ होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक ना। तो ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए बनते हैं, ठीक ना। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे रेलवे के लिए, ठीक ना, तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के लिए जिस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है, वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक ना, उसको पर्टिकुलर उसके लिए डिजाइन किया गया, ठीक। तो ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है जिसपे वो काम करते हैं। इसी तरह से डेवलपर टूल्स की अगर हम बात करते हैं, तो डेवलपर टूल्स मतलब क्या हो गया, कि ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू हम लोग कुछ नया डेवलप कर सकें, ठीक ना। तो वो चीज़ जो है वो डेवलपर टूल्स में आ जाती है। जैसे पाइथन है, तो वो क्या है, ये डेवलपर टूल है, ठीक ना, जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को और डिज़ाइन कर देते हैं और अच्छा कुछ बना देते हैं, ठीक ना। तो ये डेवलपर टूल हो गया, क्योंकि पाइथन के अंदर क्या है कि उसमें जो कोड्स होंगे, उस कोड को हम बस यूज करेंगे और अपने हिसाब से यूज कर लेंगे, तो वो कुछ नया बनकर के तैयार होगा, ठीक ना। तो डेवलपर टूल जो है वो ऐसे हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन के अलग अलग टाइप थे, जैसे पैकेज हो गया, समझ में आ गया आपको, यूटिलिटीज क्लियर हो गया, कस्टमाइज क्लियर हो गया, डेवलपर टूल्स क्लियर हो गया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर फिर से वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है, क्या होता है, ठीक ना। अगर कोई भी कंफ्यूजन कहीं भी आपको समझ में आई हो उस पूरे वीडियो में, तो आप जरूर हमको मैसेज करिएगा, ओके। तो अब हमारे पास कुछ और इस सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन से नहीं बचा हुआ है, ठीक ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे जो न्यू वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।